कि प्रभु मैं बिना गुरु दक्षिणा दिए अगर यहाँ से जाता हूँ तो मैं आपकी सीखी हुई विद्या का मुझे फल नहीं मिलेगा, मैं बिना गुरु दक्षिणा के साथ नहीं जाऊँगा, आपको गुरु दक्षिणा कुछ न कुछ देकर जाऊँगा, लेकिन अगर आप तृप्ति से मांगते हैं और मैं दक्षिणा आपकी तृप्ति के लिए देता हूँ तो वो मेरे जीवन का सौभाग्य होगा, आप मुझे गुरु दक्षिणा जो भी मांगेंगे मैं वो दूंगा, क्योंकि आपने मुझे जो विद्या मांगी है वो आपने प्रदान की है, इसलिए मैं गुरु दक्षिणा देकर जाऊँगा। गुरु कितने भी मनाने पर कहा कि कृष्ण तू महान है, तू मेरे पास रहने से मेरे को दक्षिणा लेने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन जब कृष्ण बहुत ही मजबूर करने लगे कि अगर आप नहीं देते हैं तो मैं विद्या को यहीं कर जाता हूँ, उस समय गुरुजी सांदीपनी मामुनी कहते हैं कि अर्धांगी कहा गया, मेरी अर्धांगी का मतलब होता है मेरी पत्नी, गुरु पत्नी भी गुरु के बराबर होती है, मुझे तो तृप्त हूँ, अगर गुरु पत्नी को कोई इच्छा है तो उनसे मांग लेना और गुरु दक्षिणा तुम दे देना। कृष्ण गुरु के कहने पर अपनी गुरु पत्नी के पास गए और गुरु पत्नी के चरणों में नमस्कार करके कहा, माँ मेरी विद्या संपन्न हुई है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो माँ के आंखों में आंसू आए, बेटा तेरे जैसा शिष्य तो प्राप्त होना बहुत कठिन है, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि तुम्हें गुरु दक्षिणा के रूप में मैं कुछ आपसे मांग रहा हूँ, आप जो भी गुरु दक्षिणा मांगेगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पति सक्षम है, सांदीपनी मामुनी सक्षम है, उनके राज्य में मुझे कुछ भी कमी नहीं है, लेकिन एक कमी मुझे हर बार लगती है, वो ये कमी है कि मेरे एक 8 वर्ष का पुत्र था जो समुद्र स्नान को गया और समुद्र स्नान में जाकर वह वहीं मर गया, और उस पुत्र की कमी अनुभव करती हूँ। मुझे इच्छा अगर गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ चाहिए तो केवल पुत्र चाहिए, बाकी सब मेरे पति ने मुझे दिया और कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं। कृष्ण परेशान हुए कि मरे हुए पुत्र को किस तरह लाएं, तो माँ आपको गुरु दक्षिणा के रूप में आपका पुत्र चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा मरा हुआ पुत्र ही चाहिए, कहा वो समुद्र में डूब कर मर गया है और वो आता है तो मैं इस दक्षिणा से तृप्त हूँ। कृष्ण अपनी जो भी गुरु की विद्या दी हुई है उससे पहले यम धर्मराज का आह्वान किया और कहा कि मेरे गुरु का पुत्र कहाँ है आप बता दीजिए, नहीं तो मैं पूरे इस नरकलोक में यम धर्मराज की आपके धर्मराज में हो हल्ला मचा दूंगा, मेरी सारी विद्या लगाकर पूरे यम धर्मराज नरकलोक को नरकलोक से भी ज़्यादा बदतर बना दूंगा, बताओ कि मेरे गुरु का है खुद मेरा गुरु का पुत्र कहाँ है। यम धर्मराज डर गए, बोले कहा भाई तेरे गुरु का पुत्र मेरे पास नहीं, वो समुद्र गर्भ में शंखचूर नाम का राक्षस है, उस राक्षस ने उसको निगल के उसकी आत्मा को बंद करके रखा है, तेरा गुरु का पुत्र शंखचूर राक्षस के पास है। कृष्ण समुद्र में कूद गए और उस शंखचूर राक्षस से उन्होंने पूर्ण रूप से युद्ध किया और उस शंखचूर के शंख से उस आत्मा को पकड़ा, बाहर आए, एक मिट्टी का पुतला बनाया और कहा कि ये मिट्टी के पुतले में इस आत्मा को डाल रहा हूँ और प्राण प्रतिष्ठा मंत्र जो मुझे मेरे गुरु ने कहा है उस प्राण प्रतिष्ठा मंत्र को पढ़ाओ, ये मिट्टी का पुतला जैसे मेरे गुरु का पुत्र गया था वैसा ही पुत्र तैयार हो जाए। कृष्ण की प्राण थे और गुरु की कृपा थी, जैसा ही प्राण फूंक दिए जैसा पुत्र था वैसा पुत्र समुद्र के किनारे तैयार हो गया और उन्होंने उस पुत्र को लेकर अब जब गुरुकुल में आए और उनकी माता को कहा कि माँ आपको जो मैंने वचन दिया था तुम आपका पुत्र आपको लेके आया, उन्होंने देखकर आश्चर्य में रह गए, गुरु भी आश्चर्य में रह गए और माता भी आश्चर्य में, ये हुआ कैसे, आज तक संसार में असंभव है, कृष्ण ये असंभव कार्य है तूने कैसा किया। माँ ये मुझे नहीं मालूम, आपने दक्षिणा मांगी मैंने दक्षिणा प्रदान की और माँ बस अब चाहता हूँ कि आप उस पर कृपा करें। तब गुरु पत्नी और गुरु कहते हैं कि कृष्ण जब तक सूर्य चंद्र यास रहेगा और जब तक ये पृथ्वी रही जब तक आकाश रहेगा तब तक तेरा नाम यश और कीर्ति का साथ दिया जाएगा, ये हम प्रसन्नता के साथ तुझे आशीर्वाद देते हैं। और कृष्ण जब ये बात लेकर बहुत प्रसन्न हो गए और गुरु भी प्रसन्न हो गए, लेकिन कृष्ण जाते जाते समय अपने गुरु के पास गए और कहा प्रभु मेरी एक शंका का निवारण करो। बोले कृष्ण तुम्हें शंका हो रही है, क्या बात है बोलो तुझे। बोले भगवान ये चमत्कार मेरे हाथों से क्यों करवाए, पुत्र तुम्हारा था मर गया था, मैं तो तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम चाहे तो तुम्हारे पुत्र को जिंदा करके ला सकते थे, प्रभु ये मेरे हाथों से क्यों करवाया, आपके पुत्र को आप तो ला सकते थे, माता जी को इतने दिन दुखी क्यों रखा, इसका एक छोटा सा कारण क्या है मुझे बताओ। सांदीपनी महामुनि हंसते हैं और कहते हैं कि कृष्ण तूने जिस तरह सेवा करके तूने जिस तरह पूर्ण तरीके से गुरु आज्ञा का पालन करते हुए जीवन बिताया है और तेरे ऊपर गुरु कृपा हुए, हम वैसी सेवा हमारे गुरु की और हम कार्य नहीं किया, हम गुरु की कृपा के उतने प्राप्त नहीं हुए इसलिए मैं ये कार्य नहीं कर सका और गुरु की कृपा का पात्र व्यक्ति तो असंभव कार्य को संभव करने की क्षमता रखता है। यही उदाहरण वो असंभव हो ही नहीं सकता जिसके ऊपर गुरु कृपा प्राप्त हो, वो असंभव कार्य को भी संभव करने की क्षमता रखता है।
इस बात को सुनकर कृष्ण प्रसन्न हुए, नमस्कार करते हुए आगे चलते हैं। तो बाद में उनको जब पता चला कि उनके ही पास वही शिष्य था सुदामा, वो भी सांदीपनि महामुनि के पास था, लेकिन कृष्ण कितनी बात समझाने पर भी जब सुदामा अपने गुरु को नमस्कार करते हुए नहीं कृष्ण को बोलकर चले गए, और उन्होंने बहुत दरिद्रता के दिन कृष्ण कृष्ण करते थे, सखा को याद करते थे, बहुत कहते थे कि कृष्ण मेरा सर्वस्व है, लेकिन 8 पुत्र होने के बाद उस अष्ट दरिद्रता को देखते हुए पत्नी बहुत बार झिड़कियाँ दे दी थी, क्या कृष्ण कृष्ण कहते हो तुम्हें, वो पौंड्र कृष्ण कहता था तू तेरे कृष्ण को भूल जा, तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे धनवान बना दूंगा, लेकिन सुदामा कहते थे मेरे कृष्ण को छोड़कर मैं किसी को नहीं, मैं उस कृष्ण को। तो यहाँ सुदामा कृष्ण के शरीर की पूजा करते थे, सखा के रूप में कृष्ण को चाहते थे, और जब पत्नी ने बहुत बार उनको झिड़कियाँ दी और कहा कि ठीक है तुम्हारे कृष्ण राजा सखा है, उनके पास तो कुछ मांग कर आते अपने जीवन गुजारा करने के लिए, उनके पास तो जाते। कृष्ण पत्नी के बहुत कहने पर भी, सुदामा अपने पत्नी के बहुत कहने पर भी इच्छा न रहते हुए भी गए, और उनको प्रार्थना करने की इच्छा न रहने पर भी मथुरा गए। मथुरा जाकर कृष्ण को प्रार्थना कर कृष्ण को प्रार्थना करने गए, लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा आप कौन हो, तो उसने कहा मैं कृष्ण का बाल्य मित्र हूँ। तो कहते ये दरिद्र कृष्ण का बाल्य मित्र हो ही नहीं सकता, कृष्ण के जितने भी मित्र हैं बहुत धनवान हैं, अच्छे हैं, सब कुछ है, तू कैसा बाल्य मित्र है। सुदामा को कहे कैसे कहे कि हम मैं बाल्य मित्र हूँ, इसकी इसके इसका परिचय कैसे प्रदान करूँ, किसी का इसका परिचय कैसे दूँ। और वो बाहर ही खड़ा देखता रहा कृष्ण कृष्ण करते हुए, जब द्वारपाल ने उनको हटा दिया तो पीछे चले आ रहा था, लेकिन उस कृष्ण कृष्ण की पुकार कृष्ण तक गई, और द्वारपाल ने कहा प्रभु ये कोई बूढ़ा फटा कपड़ा डाला हुआ आया, मुझे तो देख के उसे हंसी आई, और ये आजकल ऐसे ही लोग चले आते हैं प्रभु, वो आया था और कहने लगा मैं कृष्ण का बाल्य मित्र हूँ। कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण के मुख में एक प्रकार से चकाचौंध हुई, बोले कौन कौन आया था, कोई दरिद्रता प्रभु, क्या बात कहते हो, क्या नाम है उसका, किस तरह रहता। कृष्ण को अपने एक तरह का बेचैनी शुरू हो गई कि मैं उसे देखना चाहता कौन था। तो कहता प्रभु उसका नाम सुदामा कुछ कह रहा था, कृष्ण जैसे बैठे थे वैसे भागते हुए चले, जैसे बैठे थे वैसे भागते हुए आए, और सुदामा को सुदामा सुदामा कहते हुए आगे भागते हुए आए, और देखते क्या है कि सुदामा चले जा रहा था, और उसको जब देखा तो अपने मित्र को गले से लगाकर बहुत रोने लगे कि क्या हालत बना के रखी, कभी मुझे क्यों एक बात नहीं बोली, सुदामा के मुँह से बात नहीं निकली कभी भी। मैं इसलिए आपको कहता हूँ कृष्ण के पास जाते समय उसने कहा कि मैं मेरे सखा के पास जा रहा हूँ, पत्नी को कहते हैं कि मैं क्या लेके जाऊँ, खाली हाथ तो नहीं जा सकता, कृष्ण को सर्वस्व मांग के थे, और उन्होंने टूटे फूटे चावल थोड़े थे बचे हुए वो मांग के दिए कि कृष्ण को दे दो। मैं अभी यही बता रहा था कभी भगवान के पास गुरु के पास और छोटे बच्चे के पास खाली हाथ मत जाया करो, तुम खाली हाथ ही लौटोगे। कृष्ण जितना गुरु को कृपा प्राप्त करने के लिए देवता के पास में जा कुछ ना कुछ ले जाते, फूल पत्ती जो भी हो उसने उतने छोटे छोटे चावल लेके गए थे, और कृष्ण ने अपने साथ उस गलियों में से लिया, सारे लोग देख रहे थे, एक फटे धोती पे बैठा हुआ एक छोटा सा ब्राह्मण उसको लेकर कृष्ण अपने हाथ गले में हाथ डालकर लेके जा रहे हैं। जब गए तो उन्होंने अपना सिंहासन दिया, सिंहासन देकर उसको सुदामा को वहाँ बिठाया, और अपने पत्नियों से कहा चलो गुलाब जल अगर आगे लेके आओ, मुझे सुदामा के पाँव धोने। सुदामा एकदम कहने लगा कि कृष्ण ये क्या कह रहा है, मैं तेरे मेरा बाल सखा हूँ। बोले नहीं, बाल सखा के साथ साथ तू जब चले गया तब सांदीपनि गुरु कहते थे कि गलत एक बार मेरे कहके तो जाता कि मैं जा रहा हूँ, वो बिना मुझे कहते चला गया, कम से कम मेरे चरण की धूली तो ले जाता था, तो उसके घर में उसको कष्ट अनुभव नहीं करता, तो कष्ट अनुभव करेगा कृष्ण, इसका कैसा होगा, इसको क्या करेगा। ये बात मेरे गुरु ने तेरे प्रति कही थी कृष्ण, कृष्ण ने कहा कि सुदामा ये बात कही थी, सुदामा के आंखों में आंसू आ गए, कृष्ण मैं तेरे सिवा किसी को जानता ही नहीं था, तेरा नाम ही रटता था, तेरे साथ ही रहता था। तो कृष्ण ने कहा आज मैं उसकी पूर्ति करता हूँ, जिस सांदीपनि महामुनि ने तेरे बारे में चर्चा करते हुए मुझे कहा था कि कृष्ण जब कभी समय आए तो हे कृष्ण सुदामा को मैं गुरु की आज्ञा के साथ कहता हूँ कि उसको पूर्ण रूप से उसकी सहायता करना, वो तेरा प्रिय है मेरे से भी ज़्यादा, उसने तुझे कुछ कह के गया है। तो कृष्ण कहते हैं कि हे सुदामा मैं आज तुझे एक विद्या के बारे में सिखाता हूँ, और वह विद्या है
गुरु की चरण को धोने की। और उसने उस दिन सुदामा के चरण, अब अगर आप कहीं देखते हैं तो सुदामा के चरण कृष्ण ने अपनी पत्नियों अष्टपत्नियों के साथ धोए थे, और वह ये गुरुपद का सिद्धि दिवस का दिन था, अपने गुरु को याद करके किया था। और उसको वो ऐश्वर्य अपने गुरु की आज्ञा पर दिया था, जो ऐश्वर्य कृष्ण कहते थे कि पत्नी तीन अगर उनके दिए हुए छोटे से टूटे चावल, जिसे पोहा कुछ भी कहो, अगर भगवान अपने लाया हुआ प्रीति के साथ अगर वो पोहा भी खाता है तो पहले ही जैसा ही पहले ही दाना लेकर पहला ग्रास उन्होंने लिया, उसके घर में महल, उसके पत्नी के शरीर पर सारे भव्य भव्य आभरण वगैरह आ गए, और दूसरे के साथ साथ उनके घर में सभी धन धान्य से भर गया। जैसा ही तीसरा ग्रास ले रहे थे तो उनने पत्नी ने लोगा, क्या प्रसाद गुरु का प्रसाद हमें भी नहीं देंगे?